हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बर्ड ओनर करते हैं अपने बर्ड के साथ या अपने पैरट के साथ, जिससे पैरट बीमार पड़ सकता है या जान भी जा सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका हॉबी है पैरट रखना एज अ पेट। उनको अच्छा लगता है पैरट रखना, पर जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां भी होती है जिससे पैरट की जान चली जाती है। खासकर कि जो न्यू बर्ड ओनर होते हैं उनको ज़्यादा आइडिया होता नहीं है कैसे रखना है पैरट को। स्पेशली जो न्यू बर्ड ओनर होते हैं उनको उतना आइडिया होता नहीं है पेट पैरट के बारे में, तो उनसे गलती हो जाती है जिसके कारण पेट पैरट की जान भी जा सकती है। तो आइए बात करते हैं मिस्टेक नंबर वन की। बहुत सारे बर्ड ओनर हैं जो अपने पैरट को सिर्फ सीड्स खिलाते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। दिन हो या रात, बस वो सीड्स ही देते रहते हैं। उनके डाइट में सीड्स कम और फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा होना चाहिए और साथ में हेल्दी ह्यूमन फूड्स भी होना चाहिए। सीड्स में बहुत कम कैल्शियम रहता है, ज़्यादा अमाउंट में फैट्स रहता है जो कि ओबेसिटी और लीवर डिजीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ख्याल रखिए, पैरट के डाइट में सीड्स कम होना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा होना चाहिए और लिटिल बिट कुक्ड फूड दे सकते हैं जो ह्यूमन खाते हैं, वो भी हेल्दी। लगभग सारे ही फ्रूट्स पैरट खा सकते हैं, पर कुछ फ्रूट्स खाया नहीं जा सकता क्योंकि ये हार्मफुल होता है, जैसे कि एवोकाडो और कुछ फ्रूट्स के सीड्स जैसे कि एप्पल सीड्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स, ये सब। लगभग सारे वेजिटेबल्स भी पैरट खा सकते हैं, लेकिन कुछ वेजिटेबल्स को कुक करके दिया जाता है जैसे कि ब्रोकली, पम्पकिन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये सब। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, अगर पैरट ने दिया हुआ खाना को हाफ खाकर छोड़ दिया है तो कुछ घंटों बाद अनईटन फूड को डिस्पोज कर दे, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगता है। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर टू की, पैरट को पूरे दिन केज में बंद करके रखना। ऐसे बहुत जन हैं जो अपने पैरट को केज के अंदर बंद करके रख देते हैं। बर्ड ओनर को लगता है केज के अंदर फूड है, टॉयज़ है, तो मेरा पैरट आराम से केज के अंदर रह लेगा, पर आप गलत हो। रूम में पोर्च बना कर रख दीजिए या टी स्टैंड बना दीजिए ताकि वो बैठ सके। रूम में टॉयज़ रखिए ताकि वो खेल सके। पैरट को ह्यूमन का अटेंशन चाहिए, क्वालिटी टाइम चाहिए, इंट्रैक्शन करना उन्हें पसंद है। सिर्फ रात में पैरट को केज में रखिए और अगर कुछ अर्जेंट है तो, अदरवाइज़ पैरट को केज के बाहर ही रखिए। केज में सारा दिन बंद करके रखने से पैरट बोर हो जाते हैं, स्ट्रेस, अनवांटेड बिहेवियर, डिप्रेशन, ये सब प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ता है। पैरट को ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन पसंद है, तो इंटरेक्ट करते रहिए और अटेंशन भी चाहिए। मिस्टेक नंबर थ्री है कमर्शियल क्लींजर का यूज़ करना। कभी भी अपने पैरट के केज को, टॉयज़ को, पर्चेज को कमर्शियल प्रोडक्ट से क्लीन मत कीजिए, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स में केमिकल रहता है जो कि पैरट्स के लिए हार्मफुल होता है और पैरट्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही सेंसिटिव होता है, जिससे पैरट को ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। ये मिस्टेक नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं, गंदा खाना देना। अगर पैरट अपने खाने में या फिर पानी में पुप कर देते हैं तो वैसे खाने को तुरंत फेंक दीजिए, क्योंकि वो अब खाया नहीं जा सकता। जैसे इंसान फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं, खाने से पहले वॉश कर लेते हैं, वैसे ही पैरट्स को भी फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दीजिए, वॉश करके दीजिए और कट करके दीजिए। जिस तरह खाना डर्टी नहीं होना चाहिए, वैसे ही बर्ड का केज भी डर्टी नहीं होना चाहिए। केज कटरे को क्लीन कर दीजिए, क्योंकि लेफ्ट ओवर फूड से बैक्टीरिया होता है। अगर न्यूज़पेपर बिछाते हैं तो नेक्स्ट मॉर्निंग न्यूज़पेपर और लेफ्ट ओवर फूड को रिमूव कर दीजिए। मिस्टेक नंबर फाइव है टेम करते वक्त या टेम करने के लिए गिव अप कर देना। सारे पैरट्स एक जैसे नहीं होते हैं, किसी किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है टेम होने में, तो आपको इस टाइम गिव अप नहीं करना है और टेम करते वक्त हाफ में छोड़ नहीं देना है। कंसिस्टेंट रेगुलर रहने से आपका पैरट ज़रूर टेम होगा, सो कीप ट्राइंग, डोंट लूज होप। मिस्टेक नंबर सिक्स है
अपने पैरट को फोर्स करना कुछ करने के लिए और स्कोल्ड करना। अगर आप ऐसा करते हैं, फोर्स करते हैं या डांटते हैं अपने पैरट को, हाथ उठाते हैं अपने पैरट पे, तो रुक जाइए। पैरट्स ये सबसे डरते हैं और आपसे दूर भागेंगे, आपसे डरने लगेंगे। अपने पैरट को डरा कर नहीं रखना है, बल्कि फैमिली मेम्बर बना कर रखना है। मिस्टेक नंबर 7 है, गलत तरह का परचेस बना कर रखना। अगर पैरट का बैठने का जगह, जिसको परचेस बोला जाता है, वो सर्कल स्मूथ है, प्लेन स्ट्रेट है, तो चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसा पर्च कन्वीनियंट तो होता है, पर पैरट का फिट के लिए सही नहीं होता है। पर्च होना चाहिए बिना फर्निश किया हुआ, नेचुरल वुड, उबड़ खबड़, ऐसे पर्च पैरट के फिट के लिए सही होता है। मिस्टेक नंबर 8, गलत तरीका का टॉयज़ पैरट को मत दीजिए, जैसे कि जिस टॉयज़ में मिरर लगा हो या फिर प्लास्टिक का बना हो, क्योंकि कई बार वो चोट लगा लेते हैं या प्लास्टिक का जो मटेरियल होता है उसे च्यू करके खा जाते हैं। मिस्टेक नंबर 9, अपने पैरट को बहुत ही छोटे से टाइनी से केज में रखना बंद कीजिए। अगर पैरट का केज कुछ ज़्यादा ही छोटा है, तो चेंज कीजिए और बिग साइज का केज लीजिए। मिस्टेक नंबर 10, क्लिपिंग विंग्स। अपने पैरट के विंग्स को क्लिप या कट मत कर कीजिए। ये एक्टिविटी न्यू बर्ड ओनर ज़्यादातर करते हैं। जब आप विंग्स को क्लिप कर देते हैं, तो आपका पैरट बिल्कुल भी नहीं उड़ पाएगा, और फ्लाई करना बर्ड्स के लिए एक अच्छा एक्सरसाइज है। तो यहीं एंड करती हूँ वीडियो को। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना ना भूलें। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम आईडी है क्रेजी बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो मैं जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में।